मेष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। आप काफी समय से जिस काम को करने की सोच रहे थे वह इन दिनों में शुरू भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आप ऑफिस या फील्ड में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी काम में जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी ना करें। ज्यादा जोश के कारण आपका ही नुकसान हो सकता है। अधिकारियों या बुजुर्ग लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में समय अच्छा है। इन दिनों में आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। सप्ताह के आखिरी दिनों में रोजमर्रा के काम पूरे हो जाएंगे। इन दिनों में कोई नया ऑफर भी मिल सकता है, उस पर विचार जरूर करें। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नए कामों की योजनाएं भी बन सकती हैं। सोचे हुए काम पूरे होने लगेंगे। बिजनेस में अचानक फायदा होने की संभावना है। इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय पार्टनर के साथ बिताएंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। नजदीकी संबंधों में स्थिरता आएगी। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। क्रियर स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है। इन दिनों में योजनाएं बनाएंगे जो पूरी होंगी। सोचे हुए काम पूरे होंगे। नया निवेश सोच समझ कर करेंगे। थपेट और सिरदर्द से परेशान हो सकते हैं। वृष छोटे मोटे तनाव से मुक्ति मिल सकती है। समस्याओं से निपट कर आगे की योजना बनाएंगे। पुरानी बातों में ना खोए रहे, बल्कि अभी जो चल रहा है और आने वाले दिनों में जो होगा उस पर ध्यान दें। इस सप्ताह करियर में लंबी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे और सफल भी हो सकते हैं। नियमित काम से हटकर कुछ नया करने की इच्छा भी होगी। जो योजना आपने बना रखी थी उस पर इन दिनों में काम शुरू कर दें। मेहनत ज्यादा रहेगी। कारोबार से जुड़े मामलों की यात्रा हो सकती है। परिवार में खुशियों का वातावरण बन सकता है। इस सप्ताह बिजनेस पार्टनर से अनबन होने के योग बन रहे हैं। सेहत के मामलों में सावधान रहें। मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं। लव पार्टनर का मिजाज समझने की कोशिश करें। अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपे वरना संबंध बिगड़ सकते हैं। करियर इस सप्ताह मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। सफलता मिल सकती है। धैर्य से काम करें। कोई काम पूरा ना होता हो तो जल्दबाजी से बचें। आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हेल्थ इस सप्ताह थकान हो सकती है। सप्ताह के कुछ दिन आलस्य भरे भी हो सकते हैं। मिथुन आपके लिए समय ठीक ठाक ही रहेगा। ऑफिस में कामकाज का नियंत्रण आपके हाथों में रहेगा। आप चतुराई पर कंट्रोल रखकर बातचीत बहुत सीधे सपाट ढंग से करें। कुछ मामलों में आप अव्यावहारिक भी हो सकते हैं। सावधान रहें। परिवार और जीवन साथी के कामों में व्यस्त रहेंगे। सप्ताह के बीच में कोई चिंता की स्थिति बन सकती है। कामकाज धीमी गति से होंगे। सेहत का ध्यान रखें। पेट की तकलीफ हो सकती है। मेहनत ज्यादा होगी। पारिवारिक काम के लिए समय निकालना पड़ सकता है। इन दिनों में लव पार्टनर के साथ नए अनुभव मिल सकते हैं। करियर स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। पढ़ाई के साथ साथ भावनात्मक संतुलन पर भी ध्यान देना होगा। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। रुके हुए काम शुरू तो होंगे लेकिन पूरे नहीं हो पाएंगे। धन संबंधित परेशानियां कुछ कम हो सकती है। हेल्थ सेहत संबंधित परेशानियां हो सकती है। पेट के रोगों से भी परेशान हो सकते हैं। कर्क आपके लिए समय शुभ है। परिवार, समाज, ऑफिस या फील्ड हर जगह आपकी डिमांड रहेगी। आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। कोई स्थिति शुरू में जैसी नजर आएगी उसकी वास्तविकता कुछ और ही रहेगी। आप थोड़ा सावधान रहें। नई योजनाएं बनेंगी। समय के साथ साथ आपका आत्मविश्वास और मान सम्मान बढ़ेगा। काम पूरे होंगे। ऑफिस में या दोस्तों के साथ कई मौकों पर लंबी बातचीत हो सकती है। यात्रा होगी। आपको दूसरे लोगों के संबंध में अपनी योजनाओं में बदलाव करने पड़ सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है। ऑफिस या आसपास के लोगों से सम्मान मिलेगा। आपके कामों की तारीफ भी हो सकती है। साझेदारी में फायदा होगा। परिवार और दोस्तों से मदद मिल सकती है। लव प्रेम और वैवाहिक संबंध इन दिनों में अच्छे हो सकते हैं। पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा।
समय भी अच्छा रहेगा। करियर शिक्षा को लेकर चल रही उलझने इस सप्ताह सुलझ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक भी हो सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा। सोचे हुए काम समय पर पूरे हो सकते हैं। ऑफिस में भी मेहनत ज्यादा रहेगी। हेल्थ सेहत को लेकर सावधानी रखें। सिंह योजनाओं से धन लाभ हो सकता है। भविष्य को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अच्छी घटनाएं, दोस्त और भाग्यशाली मौके अपने आप मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन कोई खास काम भी आपको मिल सकता है जो आपको बहुत पसंद आएगा। पुराना कर्जा चुकाने का समय है। इन दिनों में अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको किसी करीबी का सपोर्ट मिल सकता है। चल रही परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। बिगड़ती बातें भी संभल जाएंगी। लंबे चलने वाले मामलों में समझौता हो सकता है। थोड़ा समझौता करके आप स्थिति को बहुत हद तक संभाल लेंगे। परेशानी और चिंता का समाधान इन दिनों में हो जाएगा। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है। लव लाइफ की गलत फहमियां खत्म हो सकती है। करियर इस सप्ताह मेडिकल स्टूडेंट स्टेशन में रहेंगे। अन्य फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आएगी, लेकिन अपनी ही गलती से आप खुद परेशान हो सकते हैं। किसी काम में लापरवाही ना करें। कुछ मामलों में समझौता करने या थोड़ा झुकने के लिए तैयार रहेंगे। सेहत संबंधित उतार चढ़ाव आएंगे। सप्ताह के कुछ दिन परेशान हो सकते हैं। कन्या, नए लोग और नए विचारों से आप खुश हो सकते हैं। शुरुआती दिनों में आपको परेशानी जरूर रहेगी, लेकिन बीच में फायदा भी होगा। आपका मनोबल बढ़ेगा। लोग इससे इम्प्रेस हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको तारीफ मिल सकती है। आप पॉजिटिव रहेंगे। आप अपनी इमेज और तारीफ को लेकर सीरियस हो सकते हैं। स्वार्थ की भावना कम होती जाएंगी। पैसों के मामले में ये 7 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। काम भले ही कम हो, लेकिन योजनाएं लंबी बनेंगी। दूर स्थान के लोगों से कांटेक्ट होगा। कामकाज में रुकावटें आए तो आप अपनी जगह डटे रहे। आपके काम बनते रहेंगे। नए कांटेक्ट से नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आनंद और खुशियों के अवसर मिल सकते हैं। नए काम की योजनाएं बनेंगी। यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। संतान के मामले में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इंटरव्यू और कॉम्पिटिशन एग्जाम में सफलता मिलने के भी योग हैं। लव ये दिन अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बीतेंगे। आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। परिवार वालों की मदद भी आपको मिलेगी। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य रहेगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। नए कामकाज की योजनाएं बन सकती हैं। रुके काम पूरे होंगे। पैसा बनेगा और सहयोग मिलेगा। सप्ताह अच्छा रहेगा। हेल्थ, पुरानी बीमारियां परेशान भी कर सकती हैं। गले की या टॉन्सिल्स की समस्या हो सकती है। तुला, यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने कांटेक्ट से बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। रूटीन लाइफ या कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव होने के योग हैं। आपको उस बदलाव का अंदाजा भी लग जाएगा। आपके कामों की तारीफ होगी। नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। चंद्रमा गोचर कुंडली के पराक्रम भाव से शुरू होकर 5वें भाव तक जाएगा। नए करियर के बारे में सलाह करेंगे या सलाह देंगे। नौकरी बदलने का इरादा छोड़ दें। अपने ऑफिस की नियमितता पर ध्यान रखें। यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वार्थ से दूर रहना होगा और दूसरों की बात समझने की कोशिश करने से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। फायदे के बड़े मौके मिल सकते हैं। इन दिनों में आपको गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। कार्यक्षेत्र में किसी पर दबाव ना बनाए। अचानक कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। दोस्तों या परिवार के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी काम की चिंता भी हो सकती है। वह आपकी लव लाइफ सामान्य रहेगी। कुछ खास बदलाव होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। करियर, कंप्यूटर और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। पत्रकारिता के छात्र भी इस सप्ताह सफल हो सकते हैं।
कुछ लोगों को कम मेहनत से भी अच्छी सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में चिंताओं और गुस्से के कारण परेशान हो सकते हैं, नील थपेट के रोग हो सकते हैं, सावधान रहे। वृश्चिक, तकलीफ में कोई करीबी व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, इससे आपका नजरिया बदलेगा। खुद को अकेला ना समझें, कोई ना कोई आपकी मदद करता रहेगा। इस सप्ताह आपको कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जिनसे आपका स्वभाव और निखर जाएगा। आप दूसरों की बहुत मदद करेंगे, पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, नए लोगों से दोस्ती होने के योग हैं। आपको अपने टारगेट बदलने पड़ सकते हैं। संतान की सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, मन में नए विचार भी आ सकते हैं। पुत्र से मदद मिल सकती है, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधों में खींचतान होने की संभावना है। भूमि, भवन या वाहन से फायदा हो सकता है। चंद्रमा इन दिनों में गोचर कुंडली के धन भाव से पांचवें भाव तक जाएगा, आपको धन लाभ हो सकता है। कारोबार के लिए समय शुभ कहा जा सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में संतुलन रखें। लव लाइफ के कुछ महत्वपूर्ण फैसले इन दिनों में आपको लेने पड़ सकते हैं। इन दिनों में कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। करियर स्टूडेंट्स के लिए पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र और बिजनेस के लिए समय अच्छा है, धन लाभ भी हो सकता है। हेल्थ, आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन कोई खास समस्या नहीं होगी। धनु, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेगा और गोचर कुंडली के चौथे भाव तक जाएगा। इन दिनों में अचानक होने वाले घटनाक्रम आपके संबंधों पर बुरा असर डाल सकते हैं, संबंध और अच्छे हो जाएंगे। बिजनेस में फायदा हो सकता है, जमीन जायदाद से जुड़ा फायदा भी होने के योग है या ऐसी स्थिति बन सकती है। आप ज्यादातर समस्याओं पर आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। किसी तरह का जोखिम भी लेने से बचना होगा, कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। घरेलू कामकाज में बदलाव होने के कारण आपकी दिनचर्या और रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र के साथ साथ योजनाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव होने के योग बन रहे हैं। सोचे हुए काम समय पर होने से आप खुश हो सकते हैं। लव लाइफ में सावधान रहें और पार्टनर से झूठ ना बोले, वरना आपके संबंधों पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। छोटी बातों को अनदेखा ही कर दें। वाणी पर संयम रखें। करियर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। मेडिकल स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र और बिजनेस को लेकर कोई उथल पुथल भी हो सकती है। काम समय पर ना होने से तनाव बढ़ सकता है। हेल्थ, सेहत में कुछ खास बदलाव नहीं होंगे, ये 7 दिन सामान्य रहेंगे। हल्का सिर और बदन दर्द हो सकता है। मकर लोन से जुड़े अटके हुए मामले इन दिनों में सुलझ सकते हैं। शुरुआती दिनों में खर्चा बढ़ सकता है, किसी के साथ पिछले दिनों हुई गलतफहमी या समस्या आज सुलझ सकती है। किसी बात को लेकर आपके मन में एक साथ कई तरह की बातें चल सकती है। खरीदारी करते समय आपको सावधान रहना होगा, पैसा भी ज्यादा खर्चा हो सकता है। भाइयों या पड़ोसियों से विवाद होने के योग है, सावधान रहे। आपकी मनस्थिति विवाद पैदा करवा सकती है। इन दिनों में दोस्तों का साथ भी मिल सकता है। रुकावटें खत्म हो सकती है, काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र और बिजनेस में रुकावटें खत्म होने की संभावना है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी स्थिति में बड़े उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। इन दिनों में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, धैर्य रखें और अच्छे समय का इंतजार करें। लव पार्टनर से कोई बड़ा वादा ना करें, प्यार से पूरा सप्ताह गुजर जाएगा। किसी खास बात पर पार्टनर से सलाह लेकर काम करें तो आपको सफलता मिल सकती है। करियर, इस सप्ताह मकर राशि के स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिल पाएगी। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। कोई नई बड़ी झंझट में फंसने से बचे, जो चल रहा है उसे ही चलने दें। हेल्थ, पुराने रोगों से परेशानी बढ़ सकती है, रोग खत्म ना होने के कारण तनाव भी हो सकता है। Thank you.
कुंभ सप्ताह आपके लिए अच्छा है। मेहनत और धैर्य का फल इन दिनों में मिलेगा। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा सौदा भी हो सकता है। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर इन दिनों में ग्रह स्थिति आपके फेवर में हो सकती है। इस राशि वालों को आराम का मौका मिलेगा। एकदम नए कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इस सप्ताह आपको हाथों हाथ फैसला करने की आदत पर कंट्रोल रखना होगा। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। इन दिनों में आपको उन लोगों से भी तारीफ मिल सकती है जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अनिश्चितता का माहौल भी खत्म हो सकता है। मनचाही सफलता, रुका हुआ पैसा और मानसिक संतोष मिल सकता है। मान सम्मान भी मिलेगा। अपनी सेहत पर ध्यान दें। करियर में आगे बढ़ सकते हैं। किसी नई योजना पर भी काम शुरू कर सकते हैं और सफल रहेंगे। वह आपको इन दिनों में पार्टनर से सरप्राइज और खुशी मिल सकती है। इस राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। करियर इंजीनियरिंग के छात्रों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कानूनी पढ़ाई से जुड़े लोग भी सफल होंगे। योजना बनाकर काम करना चाहिए। पुरानी योजनाएं सफल हो सकती है। नई योजनाओं पर काम शुरू होने के योग है। अचानक धन लाभ की भी संभावना बन रही है। हेल्थ पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। खान पान में सावधानी रखें। मीन, अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार से फायदे का सौदा हो सकता है। दोस्तों के साथ मिलकर आने वाले दिनों की योजनाएं बनाएंगे जो आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। आपके करियर में कुछ अच्छे बदलाव भी हो सकते हैं। कामकाज और रुने की जगह में बदलाव होने की संभावना है। जमीन जायदाद की खरीदारी भी हो सकती है। आप दूसरों की समस्याएं सुलझाने में रुचि लेंगे। इन दिनों में बॉस के व्यवहार में बदलाव भी महसूस कर सकते हैं। घर परिवार और नौकरी की उलझने परेशान कर सकती है। इस सप्ताह आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपके लिए उतार चढ़ाव भरे दिन हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ तो होगा, साथ ही रुके हुए काम भी जल्दी हो जाएंगे। सेहत संबंधी परेशानी भी इन दिनों में हो सकती है। उधारी से बचें। बातचीत और अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देना होगा। लव, कुछ दिन पार्टनर से दूर रहना पड़ सकता है। लव पार्टनर एक दो दिन आपसे असंतुष्ट भी हो सकता है। करियर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। फैशन के क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स भी इन दिनों में सफल हो जाएंगे। प्रोफेशन में सफलता मिल सकती है। समय अच्छा है। नया रास्ता भी खुलेगा। हेल्थ इन दिनों में सेहत में सामान्य उतार चढ़ाव रहेगा। यह जरूरी नहीं कि कोई बदलाव भी हो।